बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं घर के इफ्तार के लिए दो डिश तैयार कर लिया, उसकी रेसिपी आप लोगों को दिखा रही है। एकदम सिंपल सादी चने का आटा है, मैं घर को बना के ले ली। इसकी भी रेसिपी बताई मैं। इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी, ये दो प्याज है, दो से तीन प्याज ऐड करी। और हरा धनिया अपने हिसाब से लेना है, वैसा तो हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे एक टीस्पून, और थोड़ी अजवाइन डालेंगे ताकि हमारे ये बेसन के पकौड़े बाहर जैसे बन जाए। और नमक अपने हिसाब से डालना है, थोड़ी सी मैं लाल मिर्ची डालूँगी, लाल मिर्ची पाउडर। उसमें डालेंगे हरी मिर्ची, उतनी नहीं डालेंगे। मैं दो रेसिपी के लिए सब तैयार करके रखी। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, और ये बहुत अच्छे घर के लजीज जायकेदार पकवान बनते। हरी मिर्ची मैं बताई नहीं आपको, तीन से चार हरी मिर्ची है। और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स कर, ज़्यादा सख्त करना नहीं, जितना नरम अपना आटा रखेंगे उतने अपने भजिए नरम होंगे, प्याज के भजिए। इसमें प्याज ज़रा कम हो गई, थोड़ी सी मैं और प्याज ऐड कर लूँगी। समोसों के लिए हमने प्याज चॉप करके रखे है चॉपर में, और चॉपर में प्याज अच्छी सी हो जाती है, देखिए बस बन गया। ये बैटर बना के रख दिए, तो इसमें टाइम नहीं रहता, रमज़ान में जल्द से जल्द इफ्तार का टाइम आ जाता, और इफ्तार के टाइम में दुआ का होना बहुत ज़रूरी है, दुआ का टाइम रहता। अल्लाह ताला आपकी हमारी हर दुआ कबूल करे। चलिए हमारा बैटर तैयार हो गया, इसे मैं अलग से रख लूँगी। ये खीमे के समोसे बना रहे हम पट्टी वाले, पट्टी में रेडीमेड मंगा ली, इसमें मैं घर पे नहीं बनाती। और ये खीमा है, और ये तीन से चार हरी मिर्ची है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हरा धनिया है, और ये प्याज चॉप करके रखे हुए हैं, दो प्याज हैं बड़ी। ये पूरे घर के मसाले है, गरम मसाला, हल्दी, ये सब मैंने घर के बनाए हुए है गरम मसाले, तो मैं ये यूज़ करूँगी। ये मैंने एक चम्मच तेल डाली इसमें, तेल ज़्यादा डालना नहीं है। और उसी के अंदर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने खीमे में अदरक लहसुन डाल दिए, इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम, इस तरीके से भून लेंगे। और इसमें प्याज नहीं भूनना है, प्याज बिल्कुल नहीं भूनना है, उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अपन खीमा बने बाद हम प्याज डालेंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ये हरी मिर्च, इसी के अंदर ऐड करेंगे हम ये खीमा उबला हुआ, हमने खीमा उबाले। जितना लगता मैं उतना ही खीमा ले लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। इसी के अंदर डालेंगे हम क्या है ये धनिया पाउडर ना, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला दो चम्मच, और हल्की सी लाल मिर्ची डालेंगे, और हल्दी भी डालेंगे, और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अब इसी के अंदर डालेंगे हम ये हरा धनिया, बिल्कुल समोसे हमारे गोश्त के खीमे के समोसे बाहर जैसे बनेंगे। अब इसके अंदर हम अभी प्याज ऐड नहीं करेंगे, इसे अच्छे से भून लेंगे ये सब मसालों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रमज़ान में बहुत मेहनतों से बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है आप लोगों का। ये प्याज ऐड कर दूंगी, ये खीमा ठंडा हो गया, अब इसी के अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। अपने को जितनी लगती उतनी प्याज ऐड करना, बस ज़्यादा भी नहीं, पूरे प्याज का ही मज़ा आ जाए ताकि अपने समोसों में। अब ये मेरा खीमा बन के तैयार हो गया, अब हम फटाफट इसके पट्टी के समोसे तैयार कर देंगे। और घर में आटा लगवाना, समोसे बनाना, पूरा टाइम रमज़ान का हमारा चले जाता। अब ये सामान मैं उमरा गई थी, तो उमरा से हमने लेकर आई है, रमज़ान के लिए लेकर आए थे, और अब काम आ रहा हमारे चैनल के लिए रमज़ान में। देखिए ये चीज़ें तैयार हो गया, बस अब इसके अंदर खीमा पट्टी के अंदर भरेंगे। पट्टी मंगा लिए, इसके अंदर पट्टी है, और ये खीमा हमारा ठंडा हो गया। अब मैं ये पट्टी में से एक एक करके निकाल के, हम आपको जितने लगेंगे मैं उतनी पट्टी निकाल के समोसे बना लेंगे हम। ये पट्टी निकाल दिए हमने, और देखिए इसी तरह से हम बनाएंगे हमारे समोसे।
हमको जितना भरना है अंदर उतना ही भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरना। ये हो गया हमारा समोसा भरना। अब इसे हम लाई लगा देंगे इसे। ये हमारा समोसा बन के तैयार हो गया, देखिए। बस हमने फ्रीम में पूरे भर दिए, समोसे तैयार हो गए। अब इसे मैं फ्राई करूँगी, और पहले अब मैं थोड़े से भजिए बना लूँगी। ये देखिए, ये बटर बना के रखी थी, ये तेल गरम हो गया। ये हम समोसे फ्राई कर रहे हैं, देखिए लो फ्लेम पे है, ये लाल हो गए बाहर के जैसे पूरे आराम से, ना ये फूटे ना कुछ। हमने समोसे भी फ्राई कर लिए इफ्तार के लिए, और ये हमने भजिए भी प्याज को फ्राई कर लिए। बस हो गया हमारा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। इफ्तार का वक्त हो रहा, अल्लाह हाफिज़। आप भी इफ्तार कीजिए।